इतना ज्यादा ब्लड आया है इस फिंगर से, ब्लड वाली जगह पे वो और ज्यादा करे जा रही है। थोड़ा सा मोमोज दे दे, कोई थोड़ी सी चाउमीन दे दे। अभी एक एक मिनट ऐसा लग रहा है बस निकल जाए, मैं ना चपेड़ा ही मार दूंगी। मैं निकल गया। ऐसा लग रहा है शादी पे आए। Hey guys, welcome to my channel. कल है करवा चौथ और मुझे ना बहुत सारे काम है, और मैंने अभी अभी बस करवा चौथ की मेकअप वाली वीडियो अपलोड की है। मैं इतने टाइम से सोच रही थी थोड़ा जल्दी कर दूं, लेकिन करते करते फिर भी इतना लेट हो गया। बट अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लो। ओके, तो जैसे कि मैं बता रही थी कल करवा चौथ है, तो आज ना बहुत सारे काम है। मैं नेल एक्सटेंशन कराने का सोच रहा हूँ। मैं एक मिनट पंखा बंद कर दूंगा। हाँ जी, तो मैं ये बोल रही थी कि मुझे नेल एक्सटेंशंस कराने हैं। पिछले कुछ टाइम से ना मैं हर बार सोच रही हूँ और फिर टाइम नहीं होता और फिर मैं कैंसिल कर देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि कैसे भी करके ना मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो बस अभी मैं जा रही हूँ नेल एक्सटेंशंस कराने के लिए, और शाम को अब कुछ भी प्लान नहीं किया है मेहंदी का। देखते हैं अब कोई अवेलेबल होगा या नहीं होगा। मेरे ख्याल से मार्केट में जो बैठे होते हैं वो तो लगा ही देंगे, मतलब थोड़ा वेट करना पड़ता है तो लगा तो देंगे ही। तो वही है बस, ये सारा प्लान है। अभी तक मैंने प्लेट और वो जो होता है ना थाल, पूरा में करवा होता है, छन्नी होती है, प्लेट, वो सब कुछ भी नहीं लिया है। और सूट, सूट के साथ तो ना बहुत ज़्यादा वैसा हुआ मेरा। सूट मैंने एक्चुअली मंगवाया था रेड कलर का, जो आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा। अब अचानक से प्लान बन गया है कल ऑफिस जाने का। आई डोंट नो कहाँ से, वैसे हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन हमें आज जाना था ऑफिस, पर आज का कैंसिल होके कल जाना है। वो भी अभी श्योर नहीं है, लेकिन अगर कल ऑफिस जाना हुआ तो ऑफिस में मैं रेड और वो सब डाल के नहीं जाना चाह रही हूँ। एक्चुअली मैं इतना तैयार ही नहीं हो पाऊंगी शायद। अदरवाइज एक बहुत ही अच्छा सूट था रेड कलर का और ग्रीन दुपट्टा, बहुत टाइम से मैंने विशलिस्ट में डाल रखा था, और वो मतलब अब मैंने ऑर्डर किया और वो आ ही नहीं रहा। 20th अक्टूबर चल रहा है ना, हाँ 20th अक्टूबर को डिलीवरी दिखा रहा है उसकी, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ नेल एक्सटेंशन कराने के लिए, उसके बाद वहीं से सामान वामान लेके फिर मैं वापस आऊँगी, और अब सूट का तो देख ही जाएगी अब क्या होगा क्या नहीं होगा। लेट्स सी, अभी निकलते हैं, कैब बुक करिए, कैब आने वाली है, और फिर हम जाते हैं नेल्स कराने के लिए। और कल एक्चुअली यही व्लॉग मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ कल तक, तो मैं आपको मिलती हूँ नेल्स के साथ। सो गाइस, आई एम बैक, और मैंने नेल एक्सटेंशंस करा लिए हैं। ये ऐसे ओम्बरे टाइप का है, मैं अभी यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी कि मैंने क्या दिखाया था, बट दैट्स ओके, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं मेरा इस बार, मैं बताती हूँ क्या हुआ। एक्चुअली ना मैं 2 साल पहले इस जगह पे गई थी, मैंने बहुत ज़्यादा नेल एक्सटेंशंस कराए भी नहीं है। 2 साल पहले मैं गई थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैंने अभी भी उनसे व्हाट्सएप पे बात की, उन्होंने मुझे लोकेशन भेज दी, एंड मैं वहाँ पे चली गई। मुझे एग्जैक्टली लोकेशन तो याद नहीं थी, तो मैं वहाँ पे जब पहुँची तो वो बिल्कुल अलग ही जगह पे थी, और मैंने कॉल किया उनको तो उन्होंने बोला कि घर पे ही है, जबकि पहले जब मैं गई थी तो वो सैलो था। अभी उन्होंने बोला कि वो घर पे ही करती हैं, बट ठीक है, मतलब उनको मैं भी नहीं पता होगा कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने अभी पार्लर छोड़ दिया है, तो उन्होंने बताया नहीं। बट जो लोकेशन थी ना वो पता नहीं कहीं और की थी, और फिर उन्होंने मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजी। उसके बाद मैंने देखा वो वहाँ से 1 किलोमीटर दूर थी, मैंने सोचा चलो ठीक है मैं पैदल जाती हूँ। मैं जा रही हूँ, मतलब गूगल मैप पता नहीं कहाँ बंद गलियों में लेके जा रहा है, गली में बंद है और वो दिखा रहा है आगे जाना है। मतलब ऐसे करते करते मैंने आधा घंटा वेस्ट किया वहाँ पे, मैं घूमे जा रही हूँ। इतना ज़्यादा थक गई मैं, ऊपर से 2 बजे का टाइम था पहुँचने का, मैं थोड़ी सी लेट हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। मुझे लगा 2:30-2:30 बजे तक पहुँच जाऊँगी, और मैं वहाँ पर पहुँची 3:30 बजे, 3:30-4 बजे पहुँची हूँ, और मैंने लंच भी नहीं किया था। अभी जस्ट मैं आई हूँ, 5:35 हो रहा है और मैंने अभी अभी लंच किया, और मैं इतना ज़्यादा थक गई। फिर मैं वहाँ पे पहुँची, बट ठीक है, अब मुझे लगा कि अब आ गई हूँ तो ऑब्वियसली कराना तो था ही। उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ, मैंने पहले 3-4 बार कराया नेल एक्सटेंशन, इतना ज़्यादा पेन मुझे कभी भी नहीं हुआ। मुझे इतना ज़्यादा ब्लड आया है इस फिंगर से, एक दूसरे हाथ के भी फिंगर से। अभी ना मैं यहाँ पे क्लिप ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हो कि ये नेल पेंट वगैरह लगने से पहले कितना प्रोमिनेंट था। चलो ब्लड आया वो तो अलग बात है कि ठीक है मेरे क्यूटिकल्स जो हैं वीक होंगे, बट ब्लड वाली जगह पे वो और ज़्यादा करे जा रही है। एंड व्हेन आई सेड कि अरे मेरे दर्द हो रहा है, तो उन्होंने मतलब वो लगातार कर रही हैं जोर जोर से, और उन्होंने बोला वो तो होगा ऐसे। मैंने बहुत पेन में कराया इस बार नेल एक्सटेंशन, आई डोंट नो, ये बहुत पेनफुल था। ऑल दो वो बहुत स्वीट थी, अच्छी थी, बाद में मेरी उनसे काफ़ी बात हुई, बट ये सारी चीज़ों में आई डोंट नो, इस बार थोड़ा सा और अपने मतलब हल्के हाथ से कर सकती थी मुझे ऐसे लगा।
बट ऑल इन ऑल अब ठीक है, अब चली गई मैं इतनी दूर. मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे सैलून भी नहीं है, किसी के घर पे जा रही हूँ. अगर मुझे पता होता ऐसा ही है तो मैं, और मेरे आसपास बहुत ज़्यादा नेल एक्सटेंशंस वाले हैं, मैं वहीं चली जाती. बट ठीक है, पर अब ठीक है, अब जैसा भी एक्सपीरियंस रहा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. जहाँ मुझे आ जाना चाहिए था शाम, एक्चुअली मैं वहाँ पे गई भी इसलिए थी कि उसके आसपास भी ना एक मार्केट है. मुझे लगा कि जो करवा चौथ के लिए और सब चीज़ें चाहिए मैं वहीं से वापस निकल के ले लूँगी, लेकिन वहाँ पे तो आसपास कुछ भी नहीं था जहाँ पे उनका घर था. और अभी जब मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी, अब मैं घर पे आ गई हूँ, अब कुक दीदी आने वाली है, मैं निकल नहीं सकती हूँ. जब तक मैं निकलूँगी तब तक आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा होश पोश हो गया सब कुछ. अगर कुक दीदी बना के चली जाए उसके बाद मैं निकलती हूँ, एटलीस्ट थाल वाल ये सब कुछ मैं ले लूँ पहले, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ. ओके, सो फाइनली अभी कुक दीदी गई हैं और मैं निकल रही हूँ थोड़ा सामान वामान लेने के लिए जो बच गया था. और अभी तो ये ताजे ताजे नेल्स हैं और अभी मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं, मैंने बहुत टाइम के बाद कराया है, बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है. जिस काम करो 1 मिनट लगता है उसको मुझे 5 मिनट लग रहा है, ऐसा ऐसा धीरे धीरे निकालने में. पर एनीवेज जाते हैं, मेहंदी लगवा के ही आऊंगी अब मैं, सारे काम करके ही वापस आऊंगी. ये महंगी मिली होगी, 350 की बोल रहा है मुझे, और 300 की. तो पार्टी है, इससे अच्छा तो तुम अपने घर के पास वाली मार्केट में देख ले. घर के पास वाली मार्केट से ली है ये, यहाँ से थोड़ी ली है, ये तो पॉलिथिन लेके आई. हेलो जी, तो मैंने मेहंदी लगवा ली है, यहाँ पे ऐसे पता नहीं टेढ़ा लग रहा है, ऐसे है. मेहंदी लग गई है, मैंने थाली वगैरह भी ले ली थी, बाकी सारे काम हो गए हैं, अब मैं मिलती हूँ आपको सुबह. गुड मॉर्निंग गाइस, ये मेहंदी भी रच गई है, दिख नहीं रही होगी ना, मेहंदी भी रच गई है अभी थोड़ी थोड़ी. और बस अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, मैंने अपनी जो थाली है वो पूरी सेट कर ली है. रात को मैंने एक्चुअली खाना खाया नहीं था, तो मैं अभी खाना ही खा लेती हूँ. और ये साथ में मैंने फेनिया भी बना ली है. तो बस सब फटाफट से ना सर्दी करते हैं. जैसे मैं ना यूजुअली सर्दी पे नहा के सिर धो के सब कुछ करती हूँ, पर आज मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो मैं बिल्कुल नहाई वहाई नहीं हूँ. मैंने सोचा पहले सर्दी कर लेती हूँ, तो मैं सो जाऊँगी, फिर उसके बाद उठ के मैं नहाऊँगी धोऊंगी. तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मैं चाय पीऊँगी और फिर मैं कोशिश करूंगी दोबारा सो जाऊं, नहीं तो देखते हैं. और मुझे ऑफिस भी जाना है आज. ओके जी, तो सर्गी के बाद मैं आपको अब मिल रही हूँ. एक्चुअली सर्गी के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने बस फटाफट उठ के खा लिया, चाय पी ली, पानी पी लिया और दोबारा सो गई मैं. बस अभी अभी मैं नहा के आई हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया था शायद कल मुझे ऑफिस जाना पड़े, मतलब कल बताया था, तो आज अभी मुझे ऑफिस जाना है. और मेरा सारा प्लान जो है ना वो सब इधर उधर हो गया, क्योंकि मैंने ये वाला सूट नहीं पहनना था. एक्चुअली ये भी नया है, पर मैंने पिंक कलर का सूट पहनना था, बट वो थोड़ा सा हैवी हो जाता ऑफिस के लिए, और वो ना अभी तक आयन भी नहीं हो पाया. तो मैंने सोचा कि ये वाला थोड़ा सा लाइट रहेगा ऑफिस के लिए, तो मैं वो पहन लेती हूँ. तो बस अब मुझे ऑफिस जाना, तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, फटाफट से हल्का फुल्का ही मेकअप करूंगी, ज़्यादा नहीं करूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ये वीडियो भी ना आपके साथ जरूर शेयर करूँ, जैसी भी छोटी सी वीडियो होगी. ओके जी, तो मैं रेडी हो गई हूँ, बहुत ही सिंपल सा मेकअप किया मैंने, लेकिन करते करते ना थोड़ा सा मतलब हो जाता है ज़्यादा. मैंने सोचा था मैं हल्की सी फाउंडेशन लगाऊंगी, लेकिन हल्का सा कुछ फेस पे लगा लो ना तो ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा लगने लगता है, और मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है ऐसे ऑफिस जाते हुए. लेकिन ठीक है, ऑफिस चलते हैं, देखते हैं कैसे रिएक्शन आते हैं सबके. मैं ना ऑफिस से आ गई थी थोड़ी देर पहले, आके बस थोड़ा सा लेट गई थी. एक्चुअली अब थोड़ा सा फील होने लग गया है मुझे कि कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है. बस अभी मैं कथा करने वाली हूँ, कथा करने ही जा रही हूँ. और हमारे यहाँ पे ना मतलब ऐसा करते हैं कि कथा के बाद पानी पी लेते हैं, चाय वाय जो भी पीना है आपको पी सकते हो आप एक जगह पे बैठ के. तो मैं वही करने वाली हूँ. पीछे ना दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं तो थोड़ा गंदा हो रहा है, पर हम हाँ मैं कथा करूँगी, कथा के बाद पानी पीऊँगी, चाय पीऊंगी, और फिर थोड़ी देर ना सोने की कोशिश करूंगी. वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं कपड़े चेंज कर लूँ शाम को, अभी पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है मुझे आलस आ रहा है,
लेकिन देखते हैं शाम तक में भी मन किया तो मैं चेंज कर ही लूंगी। तो अभी मैं ना कथा कर लेती हूँ फटाफट से पहले। तो अब बिल्कुल शाम हो गई है, 7 बज गए हैं, कुछ नहीं किया, बस मैं बैठी रह गई। अब कौशल भी आ गए हैं तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मीठा बना लेती हूँ, कुछ ज्यादा तो खाने का मन नहीं है, आटे का हलवा बना लेती हूँ बस थोड़ा सा। तो बस मैं वही करने लगी थी। बस ऐसे थोड़ा सा ही बना रही हूँ प्रसाद के लिए ना। ठीक, बंद कर दो। बस मैंने ये थोड़ा सा बस बना लिया प्रसाद के लिए। हाँ जी, कहाँ जाना है डिनर के लिए? बताओ, उठ के तो बैठ जाओ। थक गया मैं ऑफिस में। बस अब हम लोगों को इंतजार है चांद का, और जैसे कि मुझे लग ही रहा था पहले ही कि लास्ट में मुझे आलस आ जाएगा, मैं कपड़े चेंज नहीं करूँगी, तो वही हो रहा है। अब मुझे आ रहा है आलस, अब मैं कोई कपड़े वपड़े चेंज नहीं कर रही। अब मैं बस चांद को अर्घ दे के जो भी विधि है वो करके हम निकलेंगे डिनर के लिए डायरेक्टली। इंडियन ही खाना है ना कौशल? मैं पहले मतलब ना जब अब भूख लग रही है ना तो मैं खाने की बात करके टाइम पास करना चाह रही हूँ, और तुम करेंगे साउथ इंडियन खाते। चले, नान रोटी खाने का मन है, नान दाल और पनीर, और साथ में चाऊमीन। अभी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मोमोज दे दे, कोई थोड़ी सी चाउमीन दे दे, थोड़ा सा दाल रोटी दे दे। हैं यार, उसमें ना बहुत ओवर ईटिंग हो जाएगी, और फिर तुम वहां जाके नॉन वेज ना खाओ तो कोई मतलब नहीं बनता ना। कोई मतलब नहीं बनेगा कि पूरा दिन फास्ट रख लो और फिर शाम को बूफे पे चले जाओ बारबेक्यू टाइम्स और ऐसे मतलब तुन के ही खा लो, तो उसके कोई तुक नहीं है मुझे लगता है। वैसे यहाँ पे बिल्कुल पास में ही ना, बिल्कुल पास में तो नहीं, 15-20 मिनट का रास्ता है, एक जगह है ससुराल, इंटीरियर भी काफी अच्छा है उसका। तुमने बोला 15-20 मिनट लगेंगे, मैं तो उसी हिसाब से बोल रही हूँ, बीच में जब बोल रही हूँ तो काट रही हूँ। 20-25 मिनट का रास्ता है, जब ट्रैफिक हुआ तो ज्यादा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, एक जगह है ससुराल, उसका इंटीरियर भी काफी है, वो जगत ससुराल है, वो काफी अच्छा बना हुआ है। देखते हैं वहां पे भीड़ ना हो, बस किसी भी जगह पे ज्यादा भीड़ ना हो, वैसे आज हर जगह भीड़ होगी। मैंने तुमसे तो पूछा, तुमने हाँ भरी थी रोटी सब्जी की। हाँ भरी थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पिज्जा चीज बर्स्ट ऐसे दिमाग में आ रहा है तो मेरे को ऐसा ऐसे आ रहा है। बकवास ना करो तुम ज्यादा, मतलब अब तुम बिल्कुल ही कंफ्यूज करो फिर पिज्जा ना, मतलब एक चीज में लिमिट हो जाएगी यार हमारी। यार मेरे को नहीं पता, तुम मेरे को ऐसे कंफ्यूज, मेरे को लास्ट मोमेंट पे ऐसे कंफ्यूज करो ना, पता है ना, अब मैं अगर रोटी सब्जी खा लूंगी ना मेरे को उसमें सेटिस्फेक्शन मिलनी है, ना पिज्जा खा लूंगी उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलनी, मतलब ऐसे मत किया करो यार, फिर ससुराल भी नहीं जा सकेंगे। मैं ना चपेड़ा ही मार दूंगी, मैं सच में बोल रही हूँ, मेरे को गुस्सा आ जाए। मुझे पता है ऐसा लग रहा है तेरी नियत लगेगी वो बंद भी मिलेगा, मुझे सीरियसली ऐसे लग रहा है कि ससुराल हमें बंद मिल जाएगा। मैंने तुमसे पूछा कि मुझे क्या पता, मैंने ठेका ले रखा है उसका या मैं उसके, बल्कि तुम फिर भी बाहर आते जाते रहते हो, मैं तो बिल्कुल ही घर पे पड़ी हूँ, मुझे क्या पता कौन सी चीज बाहर खुली है बंद है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। देख लो भैया जैसे मर्जी चल दो, मैं अपनी थाली वाली प्रिपेयर करती हूँ। मैं अभी ना 8:11 का चांद निकलने का टाइम था और अभी 8:20 हो रहे हैं, अब एक एक मिनट भारी हो रहा है, और तो जो टाइम बोला होता है एग्जैक्टली उस टाइम पे तो कभी भी नहीं निकलता, थोड़ा सा आगे पीछे तो होता ही है, लेकिन अभी एक एक मिनट ऐसा लग रहा है बस निकल जाए, जल्दी निकल जाए, क्योंकि हम ट्रैफिक में भी फंसने वाले हैं। पहले मैं सोच रही थी घर पर ऑर्डर कर लूँ खाना, और लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो बाहर जाके खा लेंगे, और कुक दीदी का भी फास्ट था तो उनको तो ऐसी छुट्टी दे दी सुबह। कौशल तो ऊपर छत पे ही है कि निकल जाएगा तो सबसे पहले उनको ही दिखेगा, फिर वही नीचे आएंगे। मैं बिग बॉस देख के अपना टाइम पास कर रही हूँ अभी कि जब तक बिग बॉस चल रहा है बस चांद निकल आए फटाफट, से बहुत भूख लगी है। 8:35 हो गए हैं यार, अभी भी कौशल ने तो बुलाया नहीं, अब मैं खुद ही बाहर देखने आ रही हूँ, निकला होता तो बुला ही लेते, अभी तक अंधेरा हो रहा है बाहर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नामो निशान ही नहीं लग रहा। एक्चुअली ये टाइम जो होता है ना ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है निकालना, पूरा दिन निकल जाता है क्योंकि पता है कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो आधा दिन तो ऐसे निकल जाता है, थोड़ा जोश जोश में तैयार हो रहे हैं, मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है फास्ट करने से। ये वाला जो टाइम होता है ना जब निकलने वाला है चांद,
और निकल नहीं रहा है, तब ऐसे होता है कि बस यार अब तो निकल जाए, अब नहीं वेट हो रहा, बस अब वेट नहीं हो रहा। फिर कितनी बार देखने जा चुकी हूँ। ओह निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया। कौशल आ गया, बहुत क्लियर बहुत क्लियर आ गया। आ जाओ जाओ बिल्कुल साइड में, मैं चुन्नी लेके आ रही हूँ। निकल गया निकल गया। पहले फोटो खींच लो, रह जाएगी फिर। ओए अरे पागल, उधर हो रहा। ये देखो ये साफ दिख रहा है ना, ये रहा ये रहा। दे दिया, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, बहुत तेज भूख लगी है। सारी चीजें एक तरफ, जब लास्ट में खाना मिलता है ना वो एक तरफ। बस मैं सब कुछ बंद करके फटाफट से जा रही हूँ नीचे। पहुंच गए हम अपनी ससुराल गुफा में। अभी दिखाती हूँ मैं बाहर से कैसा था। वो आज कर रहा है। ओके टेबल पे कैंडल लाइट सेटअप रहेगा। ऐसा लग रहा शादी पे आए। पागल ये था। हाँ ये वाला खा रहे थे। और ये सब आप सब लोग नहीं, आपकी चॉइस है। हम लोग निकल गए वहाँ से। एक्चुअली हम लोग हमेशा जहाँ जाते हैं ना वो नीचे होती है सिटिंग, जहाँ पे अभी मैंने दिखाया थोड़ा सा सीन आपको, वहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ है, उसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। पर हमने जो नीचे से बुफे लिया ना वो सेकेंड फ्लोर पर था। वहाँ पर ऐसा सिस्टम था जैसे छोटी सी पार्टी में होता है ना, पार्टी बुफे या फिर बर्थडे पार्टी हो जाती है, उस तरीके का था। बट ठीक है, खाना टेस्टी था और हम लोगों ने तो भरपेट मतलब खा लिया है, टूट पड़े हैं एकदम से, पेट अच्छे से भर गया है। तब मैं मिलती हूँ आपसे घर पे जाके। तो डिनर वगैरह करके हम लोग घर पे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बस अब सोएंगे। और सुबह से मैंने ऐसे सूट पहन रखा है, अब बस मेरा मन हो रहा है कि मैं फटाफट से चेंज कर लूँ। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ लाइक करके जाना यार, आप लाइक नहीं करके जाते हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स और भी देखने को मिलेंगे। और प्लीज़ 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 उसके पास जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो टिल देन बाय बाय।